इब्तदा है रबी जल के बाबर का नाम से करीम खान डायरेक्टिव के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मनाजर आप देख रहे हैं तीन मिला टू हाजी शाह रोड के मनाजर हैं और आज 16 जनवरी कारपेट का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और आप जानते भी हैं नहायत अहम शाहरा है और एम पी ए अटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यावर अब्बास बुखारी साहब की काविशों से ये काम होने जा रहा है और इस पर आपने देखा भी काम काफ़ी तेज़ था और आज इस पर कारपेट का आगाज़ हो गया है। तो हमने सोचा जनाब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आप तक पहुंचाएं, तो कुछ ही देर में यावर साहब भी पहुंचेंगे, विज़िट करेंगे साइड पर, तो हम आपको आंखों देखा हाल दिखाते हैं। फिलहाल ये जो कारपेट स्टार्ट हुआ है मशीनरी है इससे आप लुत्फानंदोज़ हों और नहायत अच्छा मंज़र इस वक्त बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आगाज़ हुआ है तीन मिले से अजीशा इस रोड के कारपेट का। उम्मीद करते हैं कि जल्द काम बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुंचेगा और इसके जो फवायद हैं वो अटक शहर के लोग और ख़ासकर तहसील हजरों और मुल्ला मंसूर के जो इलाके हैं जितने भी ये उससे महसूस होंगे और ख़ासकर पेशावर की तरफ से आने वाले अहबाब इस रोड से फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए डायरेक्ट टीवी के साथ, बहुत शुक्रिया। अगले 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह पुल तक गाजी ब्रोटा के पुल तक ये इंशाल्लाह रोड हमारे तैयार हो जाएगी। अच्छा, और इसके अंदर 4 फुट का बीच में होगा मीडियन होगा। अच्छा, आगे जाके 2 फुट का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो बत्तियां हैं वो सारी इंशाल्लाह ताला हमें हमारे छज के भाई है मला के हैदर अली वो देंगे सारी बत्तियां। अच्छा यावर भाई, काम तो अच्छा है, लोगों से भी तारीफ सुनते हैं कि जनाब काम अच्छे लेवल का हो रहा है, अब ये मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा? ये तकरीबन 3 से 4 माह शायद 6 माह लग जाए। अच्छा, वजह ये है कि हम लोग जो कॉम्पैक्शन है नॉर्मली 100% होती है। अच्छा, हमारी कोशिश ये है कि ये 102-103% हो ताकि अगले 25 साल इसको हो कुछ नहीं। ठीक है। मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ बराह रास्त तीन मिला हाजी शाह रोड के कारपेट का आगाज़ हो चुका है। मशीनरी लगी हुई है कारपेट डालने के लिए, तो हमने सोचा जनाब आंखों देखा हाल आप तो दिखा दें। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गालिबन 95 करोड़ का प्रोजेक्ट है और खूबसूरत रोड का आगाज़ हो चुका है बनने का और अनकरीब ये आगे बहुत जल्द पै तकमील तक पहुंचेगा। कारपेट का आगाज़ बाकायदा हो चुका है, डायरी टीवी बराह रास्त मनाजर आता और उस पर पूरी इसी तरीके से कारपेट हो और उसके अंदर आपको कम से कम 20-25 मिनट आपको बचेंगे। सर मुझे ये बताएं कि ये रोड ये एक साइड इसका कितना चौड़ा है, मतलब ये 24 फुट प्लस इसके साथ 4 फुट और। अच्छा, मतलब वो साइड ये दोनों इकट्ठे करके 24 फुट होंगे? नहीं, वो अलग है, वो ये अलग है। अच्छा, ये इंशाल्लाह ताला आपको इसके ऊपर मजा आएगा। अभी आप जो मशीनरी देख रहे हैं जो यहाँ पे ये जो एस्फॉल्ट डाल रहे हैं ये इसके साथ सेंसर लगे, ये मोटरवे के ऊपर काम करती है ये मशीनें। अच्छा, जो हम इधर लेके आए हैं। अच्छा, देखिए ये खुदा का फजल होता है कि जब आप इन लोगों के जेब को देखना बंद करें और अपनी सड़कों को देखना शुरू करें ना और एक एक पैसा इधर लगे तो खुदा के फजल करम से फिर ये नतीजे है। सर दो सवाल मेरे और हैं। एक सवाल मेरे ये कि पटियोट रोड आपने एक नया रोड खोला है, मैंने उसको विजिट किया, बहुत खूबसूरत रोड है। मैं कभी किसी की तारीफ नहीं करता लेकिन आप मुझे मजबूर करते हैं मुझसे तारीफ ले लेते हैं, वो कब तक कंप्लीट होगा इंशाल्लाह? वो पटियोट रोड हमारा इरादा था
लेकिन क्योंकि उस टाइम पे वो मलिक जमशेद साहब के हल्के में था, रोड मलिक जमशेद साहब ने बनवाया, मैंने नहीं बनवाया। अच्छा। और वो उसके लिए पैसा मलिक जमशेद साहब ने दिया है, उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप देखना अटक के खूबसूरत तीन रोडों में मुझसे वो एक रोड है। सर मेरी लास्ट मेरा क्वेश्चन है वो ये कि तीन हमारे अटक का इसमें एंटर होने के सिर्फ हमारे पास एक ही रोड है, अल्टरनेट रोड कोई नहीं है। हमारे पास रिंग रोड जो है ये तीन हिस्से ऑलरेडी बना हुआ है, क्या आप ये नहीं समझते कि अटक को आप रिंग रोड की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। अभी हम लोगों ने क्या किया कि एक रोड हम निकाल रहे हैं जो टेली चौहान से सलार के थ्रू आया है और आके बसाल रोड तक वो ख़त्म हो गया। हम उस रोड को दोबारा पूरा बना रहे हैं, उस कॉजवे को उसको दोबारा सही करें क्योंकि कॉजवे कमज़ोर है, उसको हम सही करवा रहे हैं। और फिर हम बीच में से ये सरवाला शकरदरा की बाग के मेरे में से निकाल के जो रेलवे की पटरी है, ये चाइना जो रोड है जिसको आप ये चाइना चौक से परोठा तक जाती है, दकनेर जाती है, इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो और फिर एक रोड हम निकाल रहे हैं जो हाथी रास्ता जिसको कहते थे पुराना, वो जो शकरदरे से हाथी चौक, हम वो उसको हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और ये मैरिया के उस साइड से निकलेगा आप इस 3 मील के करीब आके, वो दोनों मिल जाए उसके दरमियान में कटे, बिल्कुल ये आके इधर टच होगा, ठीक है, और इससे ये खत्म हो जाएगा। फिर एक हम मिर्जे से निकाल रहे हैं, वो मलिक अमीन हसन साहब ने बड़ी कोशिश की थी, वो हुआ नहीं, लेकिन अभी हम वो रोड भी निकलवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला जो मिर्जे से निकल के और जो मैरिया एरिड यूनिवर्सिटी है जो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में यूनिवर्सिटी ऑफ अटक बन जाएगी, उसकी एक साइड से वो रोड निकल के आएगी। अच्छा थैंक यू सर। जी आपसे एक सवाल ले लें, होता है अक्सर के जनाब रोड बन जाते हैं, उनको पानी के अखराज के लिए निकास के लिए रास्ता नहीं होता तो रोड खराब हो जाते हैं पानी के बारिश से। अब चूंकि दोनों साइडों से बरसाती नाले नजर आ रहे हैं और जो हदूद है उसका भी तयन हो गया है, हमें नहीं मालूम था कि इतना चौड़ा रोड है और आज हमें मालूम हुआ है कि काफी चौड़ा है। अब मजा तो आ रहा है देखने में, ये बताइएगा ये कारोबारी लोग इस रोड को बड़ी तरजीह दे रहे हैं पिशावर टू अटक, तो कमर्शियल एरिया काफी ये पॉपुलर हो गया है और उसके रेट भी कमर्शियल के हवाले से काफी ऊंचे हो गए हैं इस रोड की वजह से, आप समझते हैं कि दोनों साइड पे सर्विस रोड होने चाहिए? देखिए सर्विस रोड की क्योंकि जगह नहीं है। अच्छा। वो इसके साथ लिंक्स होंगे, वो लिंक्स ऐसे होंगे कि इस रोड के ऊपर जब ठेकेदार बना रहे हैं, अभी हमारे डिपार्टमेंट के भी मेरे भाई आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे होगा क्या कि हम लोग हर जगह पे कंक्रीट का जो कनेक्शन है वो हम देंगे ताकि इस रोड के ऊपर हैवी ट्रैफिक का असर न हो, मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे बताते रहें। और ये हम लोग इंशाल्लाह ताला 50 फुट 100 फुट तक हम वो गली भी बनाएंगे। अच्छा। यहाँ पे जो जमीनों के रेट हैं वो 3 लाख रुपए मरला थे, इस टाइम पे 30 लाख रुपए मरला है जी। और ये खुदा का शुक्र है, लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे कोई जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन ये बेईमानी होती है कि एक सियासतदान जो सड़क बना रहा है उसको पता होता है और वो वहाँ पे जमीन खरीद ले, तो ये अदल के तकाजे नहीं है, ये चोरी होती है, ये नाइंसाफी होती है, आप इसको रिश्वत कह लें जो मर्जी कह लें। खुदा के फजल करम से हमने ना एक मरला जमीन यहाँ पे खरीदी, ना हमारी तवज्जो उस तरफ है, हमारी तवज्जो ये है कि इस रोड को 25 साल कैसे चलना है। अच्छा। तो इसकी कॉम्पैक्शन हमने 100% नहीं रखी है। अच्छा। 102% हमने इसकी कॉम्पैक्शन रखी है, 103% आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जाते जाते सर एक अवामी सवाल, आप जानते भी हैं अब चूंकि पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन मौजूदा जो आटे का बहरान है उसका असर अटक के गरीब आवाम देही आवाम पे भी काफी असर अंदाज हुआ है, चूंकि 70% देहाती आबादी है, क्या आपकी जो इंतजामी है आपकी तरफ से वो यहाँ के आटे के मिलों वालों को पाबंद नहीं कर सकती कि आप अपने रेट पे आटा बेचें? देखिए ये हुकूमत एक मखसूस कोटा है जिसके लिए सब्सिडी दी जाती है, हुकूमत पंजाब इस साल तकरीबन 85 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है। अच्छा। और उस सब्सिडी के अंदर अभी उस सब्सिडी को डबल कर दिया गया है ताकि ये जो बुरहान नजर आए इसके अंदर कमी है, पंजाब में तो हमें कमी नजर आना शुरू हो गई। अच्छा। आटे का कोटा डबल कर दिया कि जहाँ पे मिसाल के तौर पे 10 बोरी थी वहाँ पे 20 बोरी कर दी है, ताकि ये जो एक मसनूई बुरहान है जो सिंध ने बनाया है रेट ऊपर करके और जानबूझ के। अच्छा। और फिर अफगानिस्तान को भी पंजाब सप्लाई करता है, केपी को बहुत हद तक पंजाब सप्लाई करता है, हमारे पास तकरीबन 45 लाख टन गंदम का जखीरा था। अच्छा। इन लोगों ने आते साथ अपने 2 महीनों के अंदर 12 लाख टन गंदम इन लोगों ने अफगानिस्तान और बैरून मुल्क एक्सपोर्ट, और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी हमें 30 लाख गंदम खरीदनी पड़ रही है बाहर से, अभी जो गंदम बाहर से आ रही है वो बड़ी महंगी है, लेकिन सब्सिडी हुकूमत पंजाब दे रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने
आपका कोटा डबल कर दिया है। इससे कुछ दिनों में आपको इंशाल्लाह ताला नजर आना शुरू होगा कि आपको गंदम भी, आपको आटा भी मिलेगा और उसका रेट भी सही। गुज़श्ता दिनों केपी के गवर्नमेंट जो महमूद खान साहब हैं वज़ीर आला, उन्होंने कहा था कि हमने यूक्रेन से काफी सारी गंदम मंगवा ली है, तो क्या वो सिर्फ केपीके के लिए है या वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ अब चूंकि आपकी इंतजामिया है? वो केपीके के लिए होगी। अच्छा, वो पहले अपने घर को तो पूरा करे। अच्छा, तो उसके बाद एक्सपोर्ट। पंजाब के पास वापस गंदम थी। अच्छा, अभी भी इंशाल्लाह ताला है। हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम लोगों ने भी चौधरी परवेज रही साहब ने उस दिन बताया कि उन्होंने भी ये बोल की है। अच्छा, तो हम लोग पहले अपने घर को पूरा कर लें, पंजाब को के लिए अपने घर को पूरा कर लें, इंशाल्लाह ताला ये जो मस्तूई किल्लत है ये आपकी खत्म हो जाए। सर मुबारकबाद पेश करते हैं आपको, कारपेट शुरू हुआ गैर रस्मी। आप सबके ये मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ और मैं उसका हर वक्त शुक्र गुजार हूँ कि हमें ऐसा मौका दिया, हमें ऐसी अकल दी कि हम लोग ये काम। मौके का फायदा उठाते हुए गुज़श्ता दिनों TBS आवान शरीफ का लगा, मेरे घर में खुद भी गैस नहीं आती थी, अब 30-14 दिन है गैस आ रही है, आपकी बदौलत अल्लाह खुश रखे। आपकी बड़ी मेहरबानी। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि नून लीग ने सिर्फ क्योंकि वफाकी महकमा है गैस का, उन्होंने फायदा उठा के ये हरकत की, उनको इखलाकी तौर पे करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे अफसोस हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, आवाम को पता है कि वो हमने करवाया, उसका सारा काम हमने करवाया, कोई बात नहीं, जिससे करवाया कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सतार चौक आप देख लें, आप जी अवान शरीफ जी, खासकर मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ कि अवान शरीफ न्यू दारुसलाम कॉलोनी, दारुसलाम कॉलोनी के काफी सारे लोग हैं जो खुश हैं। गुज़श्ता 4-5 दिन से सर्दी की में इजाफा भी हुआ है, उसके साथ आप गैस भी आपने फराम कर दिए, तो लोग आपके शुक्रगुजार। बहुत मेहरबानी सर, मैं खुश। आपके तासरात आपने सुने नाजरीन, गैस का काफी मसला था न्यू दारुसलाम कॉलोनी अवान शरीफ काफी अरसे से मुतासिर था, और गैस के गुज़श्ता 2-3 साल से गैस के ऊपर काम शुरू था यावर अब्बास बुखारी साहब की जानिब से, तो गुज़श्ता दिनों से काफ़ी हद तक मसला हल हो गया गैस का, प्रेशर ठीक आ रहा है, आप लोगों के घरों में खाना पीना हो रहा है। तो ये मनाजिर मैं आपको दोबारा आखिर जाते जाते दिखाता हूँ इस मशीनरी की, बड़ा अच्छा मंजर है और अटक तरक्की कर रहा है, खुशी हो रही है। पाकिस्तान तरक्की करता तो भी खुशी होती, इंशाल्लाह करेगा तरक्की, और ज़रूरत इस अमर की है कि हम जितने भी सियासी पार्टी हैं इत्तेफाक से इत्तेहाद से अपने अपने इलाकों की तरक्की करें। जब अपने अपने इलाकों की तरक्की करेंगे, वहाँ पे काम करेंगे, तो नज़र भी आएगा आवाम को और ये पाकिस्तान पलता फूलता मज़ीद आगे तरक्की करेगा। डायरी टीवी ने कोशिश की है कि जनाब ये आंखों देखा हाल आप तक पहुँचाएँ, और इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि जहाँ रहें खुश रहें, ज़िंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया। तो करीम खान आपके साथ एक नए प्रोग्राम में होगा, आपका मेज़बान, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।